मध्य प्रदेश में हुए सियासी घमासान के बाद खबरें ये सामने आई कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नकुलनाथ को लेकर ये खबरें भी सामने आई कि हम अब आने वाले वक्त में यहां से कांग्रेस से बगावत कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच अब खुद कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि न तो मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाला हूं और न ही मेरे पिता कमलनाथ कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाले हैं। हमारी विचारधारा की लड़ाई है और ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि तमाम अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं और मजबूती के साथ पार्टी के साथ डटे रहेंगे। एक जनसभा में संबोधित करते हुए नकुलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। एक डेढ़ महीने में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा के लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं। मैं भाजपा में जा रहा हूं। मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं और ना ही नकुलनाथ भाजपा में जा रहे हैं। तो आपने सुना, यहाँ पर बीते दिनों जिस तरीके से जो अफवाहें सामने आई थी उसमें बताया जा रहा था कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। और अब आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक सुखद खबर हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।